जनपद नैनीताल के विकासखंड धारी में कौशलम कार्यक्रम दो दिवसीय 22 और 23 अगस्त 2024 को शिक्षकों के द्वारा यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों के द्वारा अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न तरह की वस्तुएं दिखाई गई हैं, जो कि विगत एक वर्ष में उनके द्वारा उनके बच्चों के माध्यम से दिखाई गई तो और बनाई गई। हमारे पास कुछ आकृतियां हैं जो कि इस तरह से बच्चों ने अपने कौशल को इन शिक्षकों के माध्यम से यहाँ पर उकेरा है, बनाया है, सजाया है। ऐपण है, पिरूल के डिजाइन है, डलिया, टोकरी, अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं। तो आइए हम जानते हैं शिक्षकों से ही कि उनके द्वारा किस तरह से इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी इस प्रशिक्षण से क्या अपेक्षाएं हैं। आप कहाँ से हैं और आपने इस प्रशिक्षण से क्या सीखा? सर, मेरा नाम कविता कांडपाल है, राजकीय इंटर कॉलेज पुटगांव से हूँ। और ये जो कौशलम कार्यक्रम है, ये मैं पिछले साल डाइट में भी इसका प्रशिक्षण ले चुकी हूँ। तो इसमें हमने सबसे पहले मुख्यतः ये सीखा है कि जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, तो उनके मन में कुछ, हर बच्चे के मन में कुछ अभिरुचि होती है, उसको हम कैसे उनसे ऐसे वार्तालाप करके उनको कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर या उनको किस तरीके से उनकी जो मन की रुचियां होती हैं उनको बाहर ला सकें और उसके उन उस रुचियों को इतना आगे ले जा सकें कि उससे वो रोजगार का माध्यम जो है, अपनी रुचि को ही रोजगार का माध्यम बनाकर उससे आजीविका प्राप्त कर सकें अपनी। मैम, विद्यालय स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या एक्टिविटियाँ करवाई जानी हैं? सर, विद्यालय स्तर पर हमारे द्वारा छोटी छोटी उनकी रुचियों को बाहर निकाल करके छोटे छोटे उन मॉडल बनाने हैं जो वो अपने परिवेश से ही सामग्री से बनाएंगे। विद्यालय स्तर पर आपके द्वारा विगत वर्षों में किस तरह से अपनी गतिविधियाँ की गई हैं और आगे क्या गतिविधियाँ प्लानिंग है? मेरा नाम पूर्णिमा, PMCD GIC कस्यालेक से। और पिछले साल हमारा कौशलम का जो पाठ्यक्रम था वो कक्षा 11 में चलाया गया था और उसमें हमने ये किया था कि बच्चों से पहले उनके टैलेंट को उन्होंने स्वयं जानना था, उसके बाद हमने जो है उनकी रुचि जानते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी स्किल को आगे बढ़ाया। और बच्चों से हमने काफ़ी एक्टिविटी कराया, जैसे हमारे बहुत बच्चे टैलेंटेड हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं या वुडन ट्री बनाते हैं, तो इसमें हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके साथ हमने काम किया। आप देख सकते हैं ये वुडन ट्री है, तो इसमें ये बच्चों ने खुद बनाया है, वहाँ लोकल चीज़ें इसमें यूज़ की हुई हैं, पॉपुलर के पेड़ हैं और उसको पहाड़ में हम शौद बोलते हैं। और ये आपका सारा आपका वो पॉपुलर के आपके यूज़ की हुई लकड़ी है, इनसे उसको डेकोरेट किया गया। जैसा कि आप जान रहे हैं सर, आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ ये कुछ चीड़ का लोकल प्रोडक्ट है, आपने इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर बच्चों को, क्या आप सोच है और आप किस तरह से आप बच्चों को आगे इस पर ले जाना चाहते हैं? मेरा नाम चंद्रशेखर कांडपाल, मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुदली से हूं और कौशलम का प्रशिक्षण मैं पहली बार ले रहा हूं। और हमारे विद्यालय से विगत वर्ष लिए गए हमारे सर ने जो प्रशिक्षण लिया था, उन्होंने बच्चों को ये चीज़ सिखाई है, तो उन्होंने इन चीज़ों को बच्चों को करा करके भेजा है। और हम धीरे धीरे, बहुत दुर्गम का विद्यालय है इसलिए इन चीज़ों को, बच्चों की रुचियों को जानकर उनको उन्हीं के परिवेश से जोड़कर नई चीज़ें सिखाना कौशलम का मूल उद्देश्य हमें अभी तक ये समझ में आ रहा है। मैम, आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पर जो कौशलम प्रशिक्षण है उसके लिए आप बालिकाओं को किस तरह तैयार कर रही हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम पुष्पलता रावत है और मैं GGIC भटिलिया से इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही हूँ। कौशलम का जैसा कि उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न कौशल में डेवलप करके उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसी उद्देश्य को आगे लेते हुए हम लोगों ने बच्चों में ये जो कौशल है हमारा कल्चर, जिसमें कि ऐपण कला है, हमारे बच्चों ने इस प्रकार से फ्रेम वर्क करके और ऐपण कला को विकसित करा हुआ है। साथ ही ये जैसे ये डलिया बनी हुई आप दिख रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड में जो पिरूल घास पाई जाती है उससे बनाई गई है, इसमें कलर करा गया हुआ है। इसके अलावा हमारे बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार के पायदान, ये भी हमारे बच्चियों के द्वारा ही बनाए गए हैं और इनका उपयोग हमारे घरों में बहुतायत में होता है, तो इनका अधिक मात्रा में उपयोग करके हमारे बच्चे जो हैं इसको एज अ उद्यम, व्यवसाय की तरह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी है। मैम, आप कहाँ से आई हैं और इस कौशल प्रशिक्षण में आपके विद्यालय में किस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है? सर, मैं नीलम पांडे, GIC बबियाड़
को का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और जैसे कि कौशल का मतलब ही दक्षता है, तो कई बार हमारे यहाँ देखा गया है कि कई बच्चे संगीत में बहुत रुचि लेते हैं, कई का पेंटिंग वर्क बहुत अच्छा है, तो हमारे यहाँ बच्चों ने अपन को तो प्रमुखता दी ही है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से घरों को सजाना, दिल्ली सजाना और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई है, जिसमें पेपर वर्क से के जरिए बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, और जिसका हमने एग्जीबिशन अपने विद्यालय में भी किया है, प्रदर्शनी लगाई है हमने उन चीज़ों की। और जिन लोगों की कुकिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो वहाँ हमने सैलेड डेकोरेशन एक प्रोग्राम करवाया था, जहाँ पे बच्चों ने अपनी स्थानीय जो सब्जियाँ हैं उन सब फलों से एक बहुत खूबसूरत था सैलेड डेकोरेशन किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कई बच्चे सिंगिंग में है, तो वो सिंगिंग में तो हम उनको कोशिश करते हैं कि वो उसी विधा में आगे बढ़े, ताकि आगे वो उसमें अपना नाम रोशन कर सकें। मैम, आप कहाँ से आई हैं और आपके विद्यालय में कौशलम प्रशिक्षण किस तरह से प्रस्तावित और चल रहा है विगत एक वर्ष से? सर नमस्कार, मैं श्रीमती मुनिषी आर्या, मैं GIC पदमपुरी से हूँ। तो हमारे वहाँ कौशलम कार्यक्रम जो पिछले साल से चलाया गया है, हमने प्रशिक्षण भी लिया डाइट में, तो उसमें क्या था कि नाइन्थ क्लास मिला था, तो उसमें बच्चों को किस किस प्रकार से उनकी रुचियों को हम जागृत करें और किस प्रकार से उनको समूह में बैठा कर और उसमें समूह चर्चा करके कहानी सुन के विधि द्वारा और एक्टिविटीज़ करा के तरह तरह के कार्यक्रम किए, जिसमें कि बच्चों को हमने पेंटिंग भी करवाई और पेंटिंग के साथ साथ दिए वगैरह कराए, और दिवाली से पहले हमने करवाए। और हमारे विद्यालय में देख भी सकते हैं कि सीढ़ियों में हमने सारे अपर करा रखे हैं, आप आके देख भी सकते हैं। इस तरह से बच्चों को हमने मार्केटिंग भी करी और बच्चों को दिए बना के, तो हमने बाहर भी मैं भीमताल स्वयं ले जाके और वहाँ किया, तो बच्चों को कुछ उसमें प्रॉफिट भी हुआ। थैंक यू मैम। आपके हाथ में मैं एक बहुत सुंदर जो है चित्र देख रहा हूँ, ये किस तरह का है और आप इसके लिए बच्चों से किस तरह से कौशल करवाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम रेणुका बाला है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज पहाड़